नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल वी स्वाति ब्लॉग में। अभी बजे हैं सुबह के 10:20। तो सुबह का काम जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज थोड़ी लेट हो गई हूँ, तो सुबह का काम मैंने आपको नहीं दिखाया है क्योंकि तब बहुत ज्यादा भगदड़ मची हुई थी। तो अभी से मैं आज की ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो खाने में क्या बना है मैं आपको अब दिखाती हूँ, आइए। अभी भी अंडा कड़ी यहाँ पे हो रहा है, डिमेट झोल, और ये है बंद गोभी या कैबेज की सब्जी। बाबाई के पापा को थोड़ा बहुत दे दिया है ना, इसलिए कम हो गया। और साथ में चावल तो बनाए हैं। बेटा चला गया है स्कूल, और मेरे फानुस और पुष्की जो है उन्होंने भी कर लिया है अपना ब्रेकफास्ट, और फानुस एकदम गहरी नींद में सो रहा है। तो आइए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इससे खेल रहा था, ये दोनों खेल रहे थे इससे, और उसके बाद सो गए। देखिए किस तरह सो रहा है, पूरा लेटे। एक बार बुलाती हूँ, फानुष फानुष। बाबाई के पापा को आज थोड़ा लेट हो गया जाने में, क्योंकि मैंने थोड़ा सा खाना बनाने में लेट कर। तो पूजा में अभी रह गए हैं सिर्फ बीच में एक दिन, आज है 29 सितंबर, और कल का दिन है। परसों से लगभग पूजा स्टार्ट, पूजा ही स्टार्ट है। तो मेरे पास है आज का दिन और कल का दिन। अभी भी थोड़े बहुत काम तो बाकी रह ही गए हैं, थोड़े बहुत क्यों, बहुत सारा ही काम बाकी रह गया है। तो आज खाना पक चुका है, अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लूंगी और उसके बाद उस काम में लग जाऊंगी, और उसके बाद घर का काम पूरा कंप्लीट करने के बाद, आज शायद टाइम नहीं मिले, लेकिन कल मुझे अपना जो फेस है इसको थोड़ा सा चमकाना है। तो खैर कल की बात कल देखेंगे, आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट दू काम में और जल्दी जल्दी काम खत्म कर लू पूजा से पहले, दुर्गा पूजा से पहले। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। तो घर के बाकी काम शुरू करने से पहले मैंने रात की एक सब्जी की तैयारी करके रख दिया है जो मैं शाम को बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी, या तो मैं सोया चिली बनाऊंगी या तो मैं सोया पनीर बनाऊंगी। पनीर एक लड़का लेके आता है, वो अगर आए तो पनीर चिली बनाऊंगी, और वो अगर ना आए तो सोया चिली बनाऊंगी। सोया चिली मतलब सोयाबीन, सोया चंक्स। अच्छा, तो उसके लिए मैंने क्या तैयारी करके रखा है ये आप देख लीजिए। तो रात की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे काट लिए है प्याज, और इसकी जो एक एक पार्ट है ये खोलना है मुझे, ये तभी कर लूंगी। और ये आप देख रहे हैं कैप्सिकम है, अदरक और लहसुन मैंने कद्दूकस कर लिए हैं, और मिर्ची भी मैंने इस तरह से जल्दी जल्दी काटा है तो जल्दी से ऐसे काट लिया है। और इसके अलावा मुझे लगेंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट, और इसका जो रेसिपी है वो शाम को मैं बनाऊंगी, शाम को आपके साथ शेयर करूंगी। लगभग जितना हो सका आज का काम मैंने कंप्लीट कर लिया है, और अभी भी थोड़ा रह गया, रह ही जाता है यार। अब सुबह खाना पकाना, उसके बाद ये सब काम करना, तो अगर मैं सुबह से लग जाती ना, सुबह से मतलब नींद से उठते ही अगर ब्रश करके लग जाती तो अब तक काम खत्म हो गया होता। लेकिन घर का भी तो अलग से काम होता है ना, सिर्फ पूजा से पहले तैयारी होती है ऐसा तो नहीं है। खाना तो खाना पड़ेगा ही,
तो खाना बनाने में जितना टाइम जाता है अगर मैं तब से लग जाती तो आज शायद काम कंप्लीट हो जाता, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास एक दिन और है, तो हमारे पास मतलब मेरे पास, तो कल कोशिश करूंगी। और आज अभी तक जितना हुआ है हुआ है, इसके बाद भी टाइम है और मुझे एडिटिंग भी करनी है कल की, तो एडिटिंग करके उसके बाद जितना हो सके मैं काम करूंगी। तो आप लोग रहिएगा मेरे साथ, हम लोग खाना खाते टाइम आपसे मिलेंगे। तो मैं नहा चुकी हूँ और मैंने पूजा भी कर लिया है और अब हम खाने बैठेंगे। बेटा गया है नहाने, अभी स्कूल से आया है ना कुछ देर पहले, तो अभी वो नहाने गया है और वो आएगा तो हम लोग खाना खा लेंगे। खाने में क्या है ये तो आपको शायद पता ही है, तो मैं फिर भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। खाने में है कैबेज की सब्जी, अंडे का अंडा करी, ग्रेवी बहुत ज्यादा, इसे डिमेज झोल बोलते हैं हम, और साथ में चावल। तो लगभग 4 बजे मैं एडिटिंग पे बैठी थी और कब शाम हो गया पता ही नहीं चला। तो अभी बजे है लगभग 7 और अब बनाऊंगी एक कप चाय गर्मा गर्म मेरे लिए और पीऊंगी। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं चिली का आइटम जो रेसिपी है वो शेयर करूंगी, तो आज मैं बनाऊंगी पनीर चिली, और पनीर चिली बनाऊंगी उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और तब तक बाहर की जो नजारा है वो थोड़ा सा देख लीजिए, अंधेरा है, कैसा लग रहा है। तो मैं चिली पनीर कैसे बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल कढ़ाई पे गरम होने के लिए चढ़ा दिया है और मैंने गरम करके गैस को ऑफ कर दिया है और यहाँ पे डाल दिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। अब गैस ऑफ है इस वक्त, थोड़ा सा हिला रही हूँ लेकिन तेल गरम है, और एक एक करके पनीर मैं इसमें डाल रही हूँ और हल्के हाथ से इसे हिलाना है ताकि पनीर का भरता ना बन जाए। और इस वक्त गैस एकदम लो फ्लेम में है। तो लगभग 3 से 4 मिनट इस तरह तलने के बाद इस पनीर को मैं एक अलग सी कटोरी में रख दूंगी और बाकी जितना पनीर है वो सब दे दूंगी और फिर उसी तरह उसे तल लूंगी। यहाँ पे हम तीनों के लिए मैंने 300 पनीर लिए हैं। तो सब पनीर अब फ्राई हो चुके हैं। अब उसी तेल में मैं डाल रही हूँ कद्दूकस किए हुए अदरक, लहसुन और छोटे छोटे पीसेस में मैंने काटे हैं मिर्ची। ये मिर्ची अगर लंबे लंबे पीसेस में काटे जाए तो और भी अच्छे लगते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा मैंने तभी जल्दी जल्दी में ये काट लिए थे।
अब अदरक लहसुन मिर्ची को अच्छी तरह से तलने के बाद मैं इसमें दूंगी एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भी जरूरी होता है, नहीं तो टेस्टी नहीं बनता। अब इसको भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में काटे हुए शिमला मिर्च या कैप्सिकम और जो प्याज मैंने काटे थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं और इसको मैं फ्राई करूँगी। ये कोई कच्चा रखता है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करता है, मैं थोड़ी सी ज़्यादा फ्राई करती हूँ। और एक चम्मच विनीगर भी मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मुझे अच्छी तरह से फ्राई करना है। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ लगभग 2 चम्मच टोमेटो केचप और 1 चम्मच चिली सॉस और अब डाल रही हूँ 1/2 चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस डालते समय एकदम मुझे चौकन्ना रहना पड़ता है, नहीं तो एक बार बहुत ज़्यादा सोया सॉस डल गया था और एकदम ख़राब बना था। तो अब इसे अच्छी तरह से हिला के इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और लगभग 2 चम्मच छोटा चम्मच लगभग 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक मैं दे रही हूँ। नमक मैं बाद में टेस्ट करूँगी। और बाकी बचे हुए कच्चे मिर्ची भी मैंने इस वक्त डाल दिया, इसको अब अच्छी तरह से मैं फ्राई करती हूँ। ये थोड़ा सा कोई कच्चा रखता है, कोई ज़्यादा फ्राई करता है। ये है विनीगर जो मैंने पहले पानी में घोल के रखे थे, लेकिन इसे डालने से पहले एक बार मैं हिला ज़रूर लेती हूँ, नहीं तो ये नीचे रह जाता है। अब मैं टेस्ट कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा और मैं पानी दे रही हूँ और नमक अगर ज़रूरी पड़े तो इस वक्त मैं दे देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं पनीर के पीसेस। थोड़ा और बॉईल करने के बाद चिली पनीर तैयार है। मैं इस तरह चिली पनीर बनाती हूँ। तो आज मैंने आपसे शेयर किया है रेसिपी और आप लोगों को रेसिपी कैसा लगा आप लोग बनाइएगा जरूर और बना के खाइएगा जरूर और फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा पनीर चिली। हाँ तो दोस्तों, मैंने बना लिया है पनीर चिली जो हम लोग रात में खाएंगे रोटी के साथ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी और इसके बाद हम लोग खाएंगे और फिर सो जाएंगे और क्या करना है। फिर कल सुबह भी बेटे का स्कूल है तो आप लोग भी अभी सो जाइए। लेकिन सोने से पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। लिखिएगा आपको पनीर की रेसिपी कैसा लगा है और आप बनाइएगा जरूर। ठीक है, टाटा।